हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस में नई वैकेंसी आई है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की। इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे और मैं आप लोगों से एक जो है फेवर चाहता हूं। एक्चुअली ये फेवर आप अपने खुद के लिए करोगे। जब आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे तो जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास से, आपके जिले के आसपास से रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना मैं आपको समय रहते दे पाऊंगा। तो अपने डिस्ट्रिक्ट विथ स्टेट का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। बाय द वे, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में अगर आप ऐड होते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिएगा, मैं खुद भी जो है आपके मोबाइल नंबर को ट्रेस नहीं कर सकता हूं चैनल में, ना आप मेरे मोबाइल को या किसी और भी ग्रुप के मेंबर को देख सकते हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिनको प्राइवेसी की थोड़ी सी भी कंसर्न है, तो मेक श्योर आप जो है व्हाट्सएप बिल्कुल बेहिचक हमारे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सएप वाले चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो रिक्रूटमेंट आई है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे वैकेंसी आई है। परमानेंट के लिए भी आपको वेट करना होगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में अगर आप जाते हो, इंटरव्यू देते हो, तो डेफिनेटली आपका जो है कॉन्फिडेंस वो बूस्ट करेगा। चार लोगों के सामने अपनी बात रख पाना और सिंपल क्वेश्चन का भी जवाब दे पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। चलिए मैं आपको सीधे वेबसाइट की ओर लेकर चलता हूँ, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में साझा करूँगा। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूँ। यहाँ पे आपको देखिए अनाउंसमेंट वाला सेक्शन दिखेगा व्यू ऑल पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नई विंडो पॉपअप होकर खुल जाएगी। एडवर्टीजमेंट देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला है, यहाँ पे आपको हिंदी वाला एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये रहा इनकी वेबसाइट का लिंक URL, जो कि आप खुद से भी जो पेन पेपर पर डाउनलोड डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और URL से याद आया, URL का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए जिनको पता हो। हो सकता है कि कंप्यूटर या फिर GK में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। अब देखिए, मैं इंग्लिश वाला जो है ये डाउनलोड कर लेता हूँ और आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ये PDF ओपन हो जाएगी और ये देखो PDF ओपन हो चुका है डॉक पे। अब यहाँ से जो है आप चीज़ों को देख पाओगे। देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है, एक एक करके मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, PGT के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, TGT के लिए और PRT के लिए। PGT में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन BEd और 50% का होना अनिवार्य है। इसी तरह से TGT में 50% और या फिर एग्रीगेट दोनों में 50% होना जरूरी है, ग्रेजुएशन और BEd में भी, ठीक है। और CTET का पेपर 2 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। PGT में देखिए केमिस्ट्री की वैकेंसी, TGT में इंग्लिश और संस्कृत की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ PRT की, तो देखिए जिन लोगों ने +2 और या फिर 50% के साथ कर रखा है, या फिर जो है टीचर ट्रेनिंग कर रखा है DLED वगैरह, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में CTET का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BCA का होना जरूरी है और नर्स के लिए BSc नर्सिंग या फिर GNM का होना अनिवार्य है। ये देखिए वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय संगठन अमृतसर के स्कूल नंबर 1 से आई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वहाँ पे जो स्कूल नंबर 1 है वहाँ से ये रिक्रूटमेंट पंजाब से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हो PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 1 और अमृतसर कैंट पंजाब से ये रिक्रूटमेंट आई है। जब भी और जगहों से रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना आपको समय रहते दी जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।